कांग्रेस का अभियान जारी है। जयपुर में आज कांग्रेस ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया और इस सम्मेलन में सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, मंत्री लालचंद कटारिया, बीडी कल्ला, सुभाष गर्ग समेत कई विधायक शामिल हुए। किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कई दूसरे संगठनों के प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन बुलाया गया। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र के नए कृषि कानून को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना संकट में लाखों लोग मर चुके हैं और ऐसे में केंद्र सरकार को बिल लाने की जल्दबाजी आखिर क्यों थी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चंद उद्योगपतियों को किसानों की उपज का फायदा देना चाहती है। सीएम ने यह भी कहा कि ये तीन काले कानून किसानों को बर्बाद कर देंगे। दुगनी इनकम का जो वादा किया जनता किसानों से, वादा निभा नहीं पाएंगे, ऐसे विवादित कानून बना दो। लोग सड़कों पर आ जाए, विवाद के अंदर विवाद चलते रहेंगे और जो वादा किया जो वादा निभा नहीं पाएंगे तो कहेंगे इसलिए नहीं व्यवहार करवा पाए, निभा इसलिए नहीं पाए क्योंकि हमने शानदार शांतिकारी कदम उठाए थे और कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने उन कानूनों को लागू होने नहीं दिया, इसलिए हम अपना वादा पूरा नहीं कर पा। जानते हुए भी ये देश का किसान शिकारी है। पंजाब का हरियाणा का किसान बहुत सक्षम है, सड़कों को उतर आया है, तो पूरे देश के किसानों में आग लगी हुई है। वो छोटे किसान भी हैं, उन्हें कई समस्याएं भी है। खरीफ का मौसम गया, रबी के फिर आ गई, उनकी छोटी जोत है उसमें लगा रहता है। जो कानून बनाए गए हैं राष्ट्रपति महोदय की उस पर छाप लग चुकी है। हम चाहेंगे कि पूरा परिश्रम दबाने किस रूप में हम किस का अमेंडमेंट कर सकते हैं, संविधान के अंतर्गत क्या राज्यों को जो अधिकार दिए गए हैं उनका क्या तरीका हो सकता है। हो सकता में जल्दी असर में बुलानी पड़े और हम किसानों को हित क्या जो भी होगा उस पर कमी नहीं आने देंगे। मैं चाहूंगा कि एक ऐसे समय में हम ये आयोजन कर रहे हैं जब कोरोना का संक्रमण सरकार के बेहतर प्रबंधन के कारण बावजूद भी अभी तक पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार